सो हाय गाइस, आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो। तो यहाँ पर आज की वीडियो में मैं सैमसंग में क्या क्या डील्स है इस रिपब्लिक डे सेल में आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द प्राइस मैं आपको बताने वाला हूँ, और जो भी फ़ोन्स मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ वो बहुत ही वैल्यू फॉर मनी होने वाला है अकॉर्डिंग टू द प्राइस। तो पहला फ़ोन देखते हैं यहाँ पर, सैमसंग गैलेक्सी F13। तो सैमसंग गैलेक्सी F13 एक वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है। इसका प्राइस 10,000 के आसपास था, लेकिन अभी इसका प्राइस देखा जाए तो 7,500 रुपीज़ है। फॉर द प्राइस ऑफ 7,500 आपको एक्सिनोस का 850 प्रोसेसर मिलता है, बहुत ही अच्छा बैटरी लाइफ देखने को मिलता है, और एक डिसेंट प्रोसेसर है। यहाँ पर डे टू डे लाइफ में आपको कोई भी इश्यू नहीं आएगा इसे यूज़ करते वक्त, लेकिन गेमिंग के लिए ये फ़ोन नहीं है। तो इस प्राइस रेंज में अगर आप एक सैमसंग का फ़ोन ख़रीदने के लिए सोच रहे हो तो सैमसंग गैलेक्सी F13 आप ख़रीद सकते हो। दूसरा जो फ़ोन मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूँ वो है सैमसंग गैलेक्सी F14 5G। तो ये फ़ोन मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, अभी इसका प्राइस देखा जाए तो 9,490 में आपको मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द प्राइस ये एक वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है, क्योंकि यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस भी डिसेंट मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा बैटरी लाइफ भी मिल जाएगा, मतलब कि 6,000 mAh का बैटरी है, और यहाँ पर आपको अच्छा कैमरा मिलेगा। मतलब कि इस प्राइस रेंज में इससे अच्छा कैमरा आपको कोई भी ब्रांड में या कोई भी फ़ोन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इससे अच्छा कैमरा मैंने पर्सनली यूज़ किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आपका बजट है 9,000-10,000 के आसपास तो सैमसंग गैलेक्सी F14 आप ख़रीद सकते हो आंख बंद करके। अब तीसरा जो फ़ोन मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूँ वो है सैमसंग गैलेक्सी F34। तो सैमसंग गैलेक्सी F34 अब 15,000 में आप ख़रीद सकते हो। फॉर द प्राइस ऑफ 15,000 ये एक वैल्यू फॉर मनी फ़ोन मुझे लगता है। ये अगर आप एक हार्डकोर गेमर हो तो ये वाला फ़ोन आपको मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो तो यहाँ पर ये वाला फ़ोन मैं रेकमेंड करूँगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, कैमरा मिलता है विद OIS, कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है इसमें। तो यहाँ पर अगर आपको एक अच्छा कैमरा फ़ोन चाहिए और अच्छा एक एमोलेड डिस्प्ले वाला फ़ोन चाहिए और डिसेंट परफॉर्मेंस चाहिए तो यहाँ पर ये वाला फ़ोन आप ख़रीद सकते हो, सैमसंग गैलेक्सी F34 फॉर द प्राइस रेंज ऑफ 15,000। अब दूसरा जो फ़ोन मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूँ वो है सैमसंग गैलेक्सी F54 5G। तो फॉर द प्राइस ऑफ 23,000 ये फ़ोन 100% रिकमेंडेड है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा कैमरा क्वालिटी देखने को मिलता है, कैमरा में OIS है, और यहाँ पर आपको अच्छा एमोलेड डिस्प्ले मिलता है और परफॉर्मेंस भी आपको डिसेंट देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक हेवी गेमर हो और अगर आप बहुत ज़्यादा वीडियो एडिटिंग ऐसा कुछ करते हो तो यहाँ पर ये वाला फ़ोन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप डेली डे टू डे लाइफ में जो सोशल मीडिया यूज़ करते हो वैसे आप यूज़ करते हो तो यहाँ पर आपके लिए ये बहुत ही अच्छा फ़ोन होने वाला है, और कैमरा क्वालिटी बहुत ही इंप्रेसिव है सैमसंग गैलेक्सी F54 का, क्योंकि मैंने पर्सनली इसे यूज़ किया हुआ है। दूसरा जो फ़ोन मैं रेकमेंड करने वाला हूँ वो है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 2023 एडिशन। तो यहाँ पर इससे अच्छा सैमसंग का फ़ोन आपको देखने को नहीं मिलेगा, और यहाँ पर इससे अच्छा कैमरा क्वालिटी वाला फ़ोन आपको इस प्राइस रेंज में देखने को नहीं मिलेगा, गारंटीड है। लेकिन यहाँ पर कुछ ड्रॉबैक्स है वो भी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर आपको सैमसंग का जो फ्लैगशिप फीचर्स है सब आपको सैमसंग गैलेक्सी S21 FE में मिलेगा, और यहाँ पर डे टू डे यूसेज में भी आपको कोई भी लैग वैग देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको छोटा सा एक प्रॉब्लम आने वाला है, वो है हीटिंग इशू एंड बैटरी ड्रेनिंग इशू। अदरवाइज यहाँ पर इसका जो कैमरा क्वालिटी है टॉप नॉच है, इसका डिस्प्ले टॉप नॉच है, इसमें आपको IP68 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट मिलता है, स्टीरियो स्पीकर्स मिलता है, वायरलेस चार्जिंग मिलता है, क्या कहूँ इसके बारे में, इतना अच्छा फ़ोन है इस प्राइस रेंज में। तो इसे आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन अगर आपका मेन प्रायोरिटी है बहुत ही अच्छा बैटरी लाइफ, और यहाँ पर अगर आप गर्मी के मौसम में आपको आपका फ़ोन हीट नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर ये वाला फ़ोन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, और अगर आप बहुत ही हेवी गेमर हो तो भी ये वाला फ़ोन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपका प्रायोरिटी है बहुत ही अच्छा कैमरा क्वालिटी और यहाँ पर बहुत ही अच्छा डिस्प्ले क्वालिटी और फ्लैगशिप फीचर्स जैसे कि 1 IP68 वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट और वायरलेस चार्जिंग जैसा फीचर्स आपको चाहिए तो सैमसंग गैलेक्सी S21 FE के साथ आप आंख बंद करके खरीद सकते हो। ये वाला फ़ोन 100% रिकमेंडेड है मेरे तरफ से। दूसरा फ़ोन देखते हैं सैमसंग गैलेक्सी S22 फॉर द प्राइस रेंज ऑफ 39,000। तो यहाँ पर ये वाला फ़ोन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा बैटरी ड्रेन देखने को मिला है। यहाँ पर एक दिन में आपको 3 बार चार्ज करना पड़ेगा, और यहाँ पर आप अगर आप नॉर्मल टास्क करते हो तो भी यहाँ पर फ़ोन थोड़ा ज़्यादा वार्म हो जाता है।
लेकिन यहाँ पर अगर आपको बहुत ही अच्छा कैमरा, आप एक सेकेंडरी फ़ोन जैसा इसे यूज़ करना चाहते हो तो आप आराम से खरीद सकते हो। इसमें आपको फ्लैगशिप लेवल कैमरा देखने को मिले, सैमसंग गैलेक्सी S21 FE, जो कि मैंने बोला था उससे भी अच्छा कैमरा क्वालिटी आपको इसमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो फ्लैगशिप फीचर्स, मतलब कि सैमसंग का एक फ्लैगशिप फ़ोन है ये सैमसंग गैलेक्सी S22। अगर आप सेकेंडरी फ़ोन हो के ख़रीदना चाहते हो तो सैमसंग गैलेक्सी S22 को ख़रीद सकते हो। अगर आप मेन फ़ोन हो के इसे ख़रीदने के लिए सोच रहे हो तो यहाँ पर मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर आपको, अगर आप सिम लगाते हो और 4G में ही आप मोबाइल डाटा यूज़ करते हो तो यहाँ पर आपको 2 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम ही मिलेगा इसमें। अगर आप 5G लगाते हो तो मैं कहना नहीं चाहता, इसमें 1 घंटा या 30 मिनट्स का स्क्रीन ऑन टाइम ही आपको उतना मिलेगा। बहुत ही ख़राब बैटरी लाइफ है। सेकेंडरी फ़ोन और बहुत ही अच्छा फ्लैगशिप लेवल कैमरा चाहिए तो यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी S22 के साथ आप जा सकते हो। दूसरा जो फ़ोन मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ वो 100% मैं रिकमेंड करने वाला हूँ, तो यहाँ पर ये फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी S23, सैमसंग गैलेक्सी S22 का सक्सेसर। तो सैमसंग गैलेक्सी S23 में 8 Gen 2 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि काफ़ी बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर है। यहाँ पर डे टू डे लाइफ में उतना ज़्यादा हीटिंग इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा, और यहाँ पर स्क्रीन ऑन टाइम भी आपको डिसेंट मिलने वाला है। 6 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा, 1 दिन का बैटरी लाइफ आपको आराम से मिल जाएगा। कंपेयर टू सैमसंग गैलेक्सी S22 में आपको 3-4 बार चार्ज करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर फ्लैगशिप लेवल कैमरा देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको सब सैमसंग का जो जो फ्लैगशिप फीचर्स है सब आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आपके पास आपका बजट 55,000 तक आप स्ट्रेच कर सकते हो तो यहाँ पर मैं कहूँगा सैमसंग गैलेक्सी S23 5G आप आंख बंद करके खरीद सकते हो। यहाँ पर आपको कोई भी इश्यू देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरे तरफ से 100% रिकमेंडेड है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको इस तरह दूसरे ब्रांड्स के फ़ोन्स के डील्स के बारे में जानना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कौन सा फ़ोन खरीदना है, नहीं खरीदना है, उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।